हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जूरिसप्रूडेंस क्या होता है और इसके अंतर्गत टाइप्स ऑफ जूरिसप्रूडेंस, स्कूल्स ऑफ जूरिसप्रूडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ जूरिसप्रूडेंस एंड जूरिसप्रूडेंस के अंतर्गत PCSJ, APO एंड जो भी हाईएस्ट कैटेगरी के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल PhD या फिर आप LLM के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं आगे डिस्कशन करूंगी। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में उसको मैं आपको बताते चलूंगी। इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो लंबा चला जाए क्योंकि ये 4-5 बुक का निचोड़ है, मीन्स कि 4-5 बुक पढ़ने के बाद मैंने इस वीडियो को बनाई हूँ, तो आई थिंक ये 1.25 घंटा या 1 घंटा का जाएगा। तो इसलिए आप नोट करते जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया है। और चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा जूरिसप्रूडेंस। जूरिसप्रूडेंस दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला हो जाता है जूरिस एंड सेकेंड हो जाता है प्रूडेंसिया। जूरिस का अगर हम हिंदी मीनिंग निकालें तो विधि होता है एंड प्रूडेंसिया का मीनिंग होता है ज्ञान। तो अगर इसका निचोड़ किया जाए तो मीन्स होता है कि विधि का ज्ञान ही विधि शास्त्र है। ओके, लॉ का नॉलेज ही, ओके, लॉ का नॉलेज ही आपका जूरिसप्रूडेंस है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मैम अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन क्या हो सकता है। डेफिनेशन इसको अगर हम कहा जाए तो विधि एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, वो मनुष्य की आचरण हो गया मीन्स कंडक्ट, संव्यवहार मीन्स की ट्रांजेक्शन हो जाता है, कार्यकलाप मीन्स एक्टिविटीज़ पर उचित नियंत्रण रखते हुए समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फादर ऑफ जूरिसप्रूडेंस कौन है। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोली थी कि जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताते जाऊंगी कि कौन कौन से PCSJ हो गए, APO हो गए या फिर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। फादर ऑफ जूरिसप्रूडेंस के बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इसीलिए आप इसे टिक लगा लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ जूरिसप्रूडेंस जो हैं जेरमी बेंथम है, ये 1748 से लेकर 1832 के अंतर्गत ये आपके जेरमी बेंथम है। और जेरमी बेंथम ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे विधि शास्त्र के अंतर्गत, आगे उसको हम लोग डीपली समझते चलेंगे। और इसे हम लोग फादर ऑफ कोडिफिकेशन भी कहते हैं। इन्होंने उपयोगितावाद के सिद्धांत को दिया था, क्योंकि बहुत सारे अगर आप लॉ के अंतर्गत एग्जाम दे रहे हैं तो फादर ऑफ कोडिफिकेशन भी पूछा गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि जेरमी बेंथम जो है फादर ऑफ कोडिफिकेशन है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ इंग्लिश जूरिसप्रूडेंस कौन होते हैं, तो आप टिक जेरमी बेंथम को नहीं लगाएंगे क्योंकि जेरमी बेंथम, यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाता है। फादर ऑफ जूरिसप्रूडेंस पूछता है तो आप जेरमी बेंथम लगाएंगे, फादर ऑफ इंग्लिश जूरिसप्रूडेंस अगर पूछता है तो आप ऑस्टिन को टिक लगाइएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर बहुत सारे विधि शास्त्रियों में बहुत सारे जूरिसप्रूडेंस को परिभाषित किया था, अलग अलग तरीकों से कहा था। ये आप जो है इसको नोट आउट जरूर कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कहा जाए तो। और ये पूरे जूरिसप्रूडेंस का मैं एक बहुत ही शॉर्ट वे में इसको तैयार करी हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान से समझते जाएंगे। अल्पियन ने अपनी भाषा में जूरिसप्रूडेंस को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि उचित और अनुचित का विज्ञान है। क्या है? उचित और अनुचित का विज्ञान है। उन्होंने कहा है कि जूरिसप्रूडेंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग्स एंड ह्यूमन द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब सालमंड ने क्या कहा है? सालमंड ने नागरिक विधि का विज्ञान कहा है। ओके, सिसरो के द्वारा क्या कहा गया है? ज्ञान का दार्शनिक पक्ष सिसरो के द्वारा कहा गया है। जॉन ऑस्टिन को थोड़ा हम लोग डीपली समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि मैंने पहले ही बता दी कि फादर ऑफ इंग्लिश जूरिसप्रूडेंस है। इन्होंने जूरिसप्रूडेंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य किया है। इन्होंने सबसे पहले तो वास्तविक विधि का दर्शन बताया है, इन्होंने विधि के आज्ञात्मक सिद्धांत को बताया है। जहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है,
इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ किसके द्वारा दिया गया है? तो जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया है इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन भी PCSJ में पूछा गया है, इसलिए आप इसे नोट आउट कर लेंगे, ओके। और यहाँ पर मैंने कुछ छूट गया था तो इसे मैं नीचे नोट आउट की हूँ कि जॉन ऑस्टिन ने एज इट इज के सिद्धांत को लाया था, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जॉन ऑस्टिन ने और क्या कहा था। जॉन ऑस्टिन ने कहा था कि लॉ जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना है, कमांड, सॉवर्निटी एंड सैंक्शन, ओके। कमांड, सॉवर्निटी एंड सैंक्शन। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि कमांड, सॉवर्निटी एंड सैंक्शन किसके द्वारा लाया गया था या फिर किसके द्वारा कहा गया था, तो आप फटाक से टीक लगा सकते हैं कि ऑस्टिन के द्वारा किया गया था, इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ एंड कमांड, सॉवरेन एंड सैंक्शन, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं कि जूलियस स्टोन ने क्या कहा था। जूलियस स्टोन ने बहुत अच्छी बातें कही थी कि हमारा जो जूरिसप्रूडेंस है, जूरिसप्रूडेंस क्या है, जूरिसप्रूडेंस लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन्स मीन्स की हो जाता है कि विधि शास्त्र जो है वकीलों का अतिरिक्त कथन है। वकील जो है कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि जो कि जो हमारे जज बैठे रहते हैं उनको भी बहुत ही उनकी बातों को बात जो है बहुत अच्छी लग जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक मिसाल के रूप में कानून के तौर पर पारित हो जाता है, इस तरीके की बातें जो है कह दिया जाता है वकीलों के द्वारा। तो जूलियस स्टोन ने भी बहुत अच्छी बातें कही है विधि शास्त्र को, ओके। अब सिसरो के द्वारा क्या कहा गया है। सिसरो के द्वारा मैंने पहले भी यहाँ पर सिसरो के बारे में बताई, यहाँ पर भी बताना चाहूँगी कि नियमों के प्रति कैसे कृतज्ञता की जाती है, वो भी उन्होंने इस प्रकार से जूरिसप्रूडेंस को परिभाषित किया था और कहा था। अब यहाँ पर चलते हैं जर्मी बैंथम। जर्मी बैंथम ने पहले ही मैंने बता दी कि उपयोगितावाद के सिद्धांत को उन्होंने लाया था, एंड जर्मी बैंथम के द्वारा एक और चीज़ लाई गई थी, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, इसे आप नोट आउट कर लेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है PCSJ के एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि PhD इंट्रेंस एग्जाम एंड अदर इंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख किसके द्वारा लाया गया था। तो आप इसे नोट आउट कर लेंगे, आपको यहाँ पर लिखना होगा कि जर्मी बैंथम के द्वारा लाया गया था, ओके। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ क्लियर है। अब यहाँ पर केल्सन के द्वारा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट आउट कर लेंगे, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ 1934 में प्योर थ्योरी ऑफ लॉ लाया गया था केल्सन के द्वारा। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में आखिर क्या था, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में यही केल्सन के द्वारा कहा गया था कि जो हिस्टोरिकल है, पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, वो आप मिला के एक लॉ मत बनाइए। आप जो है कभी भी लॉ बनाइए तो प्योर बनाइए, सभी चीज़ों को मिलाकर इकट्ठा करके लॉ को मत बनाइए, यही केल्सन का कहना था। और उन्होंने मानक संबंधी सोपान तंत्र का भी ज्ञान दिया था केल्सन के द्वारा। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारा है सेविनी। सेविनी जो है जनजीवन की सामान्य लोक चेतना सिद्धांत के बारे में बताया था, वोगजिस्ट थ्योरी हम जिसे कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट आउट कर लेंगे कि वोगजिस्ट थ्योरी बहुत सारे आप एग्जाम देते हैं उसके अंतर्गत वोगजिस्ट थ्योरी के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन से विधि शास्त्री के द्वारा लाया गया था, तो आप सेविनी टिक लगाएंगे। उन्होंने कहा था कि विधि पाई नहीं जाती बल्कि विकसित की जाती है, लोक चेतना का सिद्धांत है। ये आपका हिस्टोरिकल, आप जो सेविनी थे हिस्टोरिकल स्कूल के प्रोपाउंडर भी हैं, इसे भी आप नोट आउट कर लेंगे, फाउंडर भी इन्हें कहा जाता है, ओके। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, जो विधि शास्त्री है उन्होंने क्या कहा था विधि शास्त्र के बारे में, जो भी उचित हो वह वास्तविक है और जो वास्तविक है वही उचित है। सर हेनरी मैन के द्वारा प्रास्थिति से संविदा की ओर चिरभोग सिद्धांत इत्यादि को लाया गया, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, इसे भी आप नोट आउट कर लेंगे कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको जे के क्वेश्चन में पूछा गया है, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसे भी आप नोट आउट कर लेंगे कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट जो है सर हेनरी मैन के द्वारा लाया गया था जूरिसप्रूडेंस के अंतर्गत। गिरके क्या है, गिरके जो है कहे थे कि मानव संगठन ही जूरिसप्रूडेंस है, ओके। अब यहाँ पर चलते हैं अगस्त कामटे के द्वारा क्या कहा गया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक प्रमाणवाद साइंटिफिक पॉजिटिविज्म के बारे में बताया गया था ऑस्टिन के द्वारा। ऑस्टिन ने क्या कहा, ऑस्टिन ने कहा कि जिस प्रकार हमारा साइंस विकास कर रहा है उसी प्रकार हमारे जूरिसप्रूडेंस को भी विकास करना चाहिए, मीन्स लॉ को भी विकास करना चाहिए, न कि आप पुरानी पीढ़ी के अंतर्गत जो भी लॉ बनाया गया उसी को आप ले के चलते रहे। इसीलिए उन्होंने
अगस्त कामटे ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि साइंटिफिक रीजन के अंतर्गत आप जो है विधि का विकास कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं रिडोल्फ वॉन ईयरिंग। ये भी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक हित, इन्होंने सामाजिक हित को परिभाषित किया था, सोशल इंटरेस्ट के बारे में बताया था। और एक और बात बता देना चाहूँगी कि फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है हमारे ईयरिंग साहब है। लियोन ड्यूगिट ने दो चीज़ों को दिया था, जनसेवा मीन्स पब्लिक सर्विस एंड सामाजिक समेकता सोशल सोलिडरी। अब यहाँ पर चलते थोड़ा डीपली थोड़ा समझते हैं कि लियोन ड्यूगिट का कहना क्या था। सोशल सोलिडरी का मतलब होता है कि हम जैसे समाज में रहते हैं तो समाज में ऐसा नहीं कि हम अपना जीवन जो है अकेले बिता सकते हैं, आपको किसी न किसी के पर आपको निर्भर रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जब तक जिंदगी जीने के लिए आपको सब्जी लाना ही पड़ेगा, दूध लेना ही पड़ेगा, पेपर खरीदना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आप किस पर निर्भर करेंगे? दूध वाले पर निर्भर करेंगे, आप जो है पेपर वाले पर निर्भर करेंगे, और यहाँ तक कि आपको सब्जी खरीदने के लिए सब्जी वाले पर निर्भर करना पड़ेगा। मीन्स कि आप जो है लोगों के साथ ही आप अपना जीवन जी सकते हैं। इसी का सामाजिक समेकता मीन्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह के ही अपना जीवन जिया जा सकता है। इसी प्रकार ज्यूरिसप्रूडेंस को लियोन ड्यूगिट के द्वारा कहा गया था। इसीलिए आप सोशल सोलिडरी से क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप जो है लियोन ड्यूगिट को टिक लगाएंगे। अब डीन रास्को पाउंड के अंतर्गत भी ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल इंजीनियरिंग जो सामाजिक यांत्रिकी है, सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत डीन रास्को पाउंड ने कहा था कि डीन रास्को पाउंड जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के अलावा उन्होंने नेब्रास्का विश्वविद्यालय में लॉ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। इसके साथ साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ज्यूरिसप्रूडेंस के प्रोफेसर भी रहे थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें ज्यूरिसप्रूडेंस के अंतर्गत कही थी कि लॉ इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद द एड ऑफ विच द लार्ज पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज कैरिड ऑन। मीन्स कि मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश करना है कम से कम तनाव देकर। यही सामाजिक अभियंत्रण के सिद्धांत के अंतर्गत रास्को पाउंड ने कहा था। ओके, ये सोशल इंजीनियरिंग क्वेश्चन अगर पूछता है कहीं पे भी तो आप डीन रास्को पाउंड को टिक लगाएंगे कि ज्यूरिसप्रूडेंस के अंतर्गत डीन रास्को पाउंड का यही कहना था। यूजिन इहरली का क्या कहना था, ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिविंग लॉ के अंतर्गत अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है ज्यूरिसप्रूडेंस में तो आप यूजिन इहरलिक को टिक लगाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लिविंग लॉ जो है किससे संबंधित है ज्यूरिसप्रूडेंस के अंतर्गत, तो आप इहरलिक को टिक लगाएंगे। सी के एलन ने क्या कहा, सी के एलन ने कहा था ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में, और ज्यूरिसप्रूडेंस के एक महान विधिशास्त्री थे ऑस्टिन के बारे में उन्होंने कहा था कि ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है। आपको पता है कि ऑस्टिन ने बहुत सारे चीज़ों को बताया था, जैसा कि मैंने पीछे आपको बता चुकी हूँ, यहाँ तक कि ऑस्टिन को इंग्लिश ज्यूरिसप्रूडेंस के फाउंडर भी कहते हैं, ओके फादर भी कहते हैं। अब एचएलए हार्ट के द्वारा क्या कहा था, एचएलए हार्ट ने कहा था अधिरचनावादी विचारधारा समादेश, मीन्स रूल्स प्रोवाइडेड की टू द साइंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। एचएलए हार्ट के द्वारा यह कहा गया था। अब ईयरिंग के द्वारा क्या कहा गया था, ज्यूरिसप्रूडेंस के अंतर्गत ईयरिंग ने, मैंने पहले भी बता चुकी है यहाँ पे कि सोशल इंटरेस्ट के बारे में ईयरिंग ने कहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले इसको समझा चुकी हूँ, यहाँ पर है आपका। अब यहाँ पर चलते हैं लास्की के द्वारा क्या कहा गया। लास्की ने भी बहुत अच्छी बातें कही है कि विधि शास्त्र जो है विधि का नेत्र है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसे भी आप नोट आउट कर लेंगे, या आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आउट करने की ज़रूरत है ही, साथ साथ में आप जो है स्क्रीनशॉट करके और आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक समझेंगे, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा डीपली आपको नॉलेज कराने की कोशिश करूँगी ताकि आपको एक वीडियो में सारी ज्यूरिसप्रूडेंस जो है कवर हो सके। अब गियर के द्वारा क्या कहा गया था, गियर जो कहते हैं कि निगमित व्यक्ति का विधि सिद्धांत है, जो निगमित व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं उनके उनका एक विधिक सिद्धांत है गियर के द्वारा, यह ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में कहा गया था। इहरलिक ने विधि शास्त्र के बारे में कहा था कि विधिक विकास का गुरुत्वाकर्षण न तो विधान में है और न ही न्यायिक निर्णय में है, वरन समाज स्वयं है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें इहरलिक के द्वारा कही गई थी। कहा गया था कि समाज जो है स्वयं में बहुत शक्तिशाली है।
ऐसा नहीं कि आप जो है लॉ के जो डेवलपमेंट है उसका आप लेजिस्लेशन में आप ना तो उसमें ग्रेविटी होती है और ना ही जो न्यायिक निर्णय है उसके अंतर्गत ग्रेविटी होती है, बल्कि समाज जो है स्वयं में शक्तिशाली है। एहर्लिच के द्वारा यही कहा गया था विधि शास्त्र के अंतर्गत। कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या कहा गया था, विधि शास्त्र में विधि की राष्ट्रीय चरित्र को प्रस्थापित करने का कार्य किया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। अब यहाँ पर इमैनुअल कांट ने बहुत ही अच्छी बातें कही थी कि सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था एंड हॉलैंड के द्वारा। हॉलैंड जो है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ को लाया था हॉलैंड के द्वारा। इसे भी आप नोट आउट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ जो है किसने कहा था विधि शास्त्र के अंतर्गत, तो हॉलैंड के द्वारा कहा गया था। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस समझते हैं। टाइप्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस जो है बहुत सारे विधि शास्त्रियों के द्वारा बहुत सारे ज्यूरिसप्रूडेंस को कहा गया है कि ये टाइप के होते हैं, ये टाइप के होते हैं, तो इसे हम लोग समझते चलेंगे। आगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस समझेंगे एंड स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस समझेंगे। यहाँ पर समझते हैं टाइप्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। प्रोफेसर जूलियस स्टोन के द्वारा जो है तीन टाइप्स में डिफाइन किया गया है ज्यूरिसप्रूडेंस को, विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र एनालिटिकल स्कूल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड क्रियात्मक विधिशास्त्र फंक्शनल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड न्याय के सिद्धांत में हो जाता है थ्योरी ऑफ जस्टिस या फिर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। यहाँ पर प्रोफेसर जूलियस स्टोन के द्वारा ज्यूरिसप्रूडेंस को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया था या फिर कह सकते हैं डिफाइन किया गया था। जॉन ऑस्टिन के द्वारा दो टाइप्स में बताया गया था, सामान्य विधि शास्त्र एंड विशिष्ट विधि शास्त्र, मीन्स हो जाता है जनरल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड स्पेसिफिक ज्यूरिसप्रूडेंस या फिर एंड जॉन ऑस्टिन के द्वारा लॉ को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था, एक तो हो जाता है डिवाइन लॉ एंड एक हो जाता है ह्यूमन लॉ। यहाँ पे भी आप इसे भी नोट आउट कर सकते हैं एंड आगे हम लोग समझते हैं। शामन के द्वारा थ्री टाइप्स में ज्यूरिसप्रूडेंस को डिफाइन किया गया है, एक तो हो जाता है विश्लेषणात्मक एनालिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, नैतिक शाखा मोरल ब्रांच ज्यूरिसप्रूडेंस, ओके। एंड बेंथम के द्वारा दो टाइप्स में डिफाइन किया गया है ज्यूरिसप्रूडेंस को, व्याख्यात्मक मीन्स की एक्सप्लानेटरी ज्यूरिसप्रूडेंस एंड निर्णयात्मक मीन्स हो जाता है कंक्लूसिव ज्यूरिसप्रूडेंस। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। ज्यूरिसप्रूडेंस तो हमने जान लिया कि इन सब विधि शास्त्रियों के द्वारा ये कहा गया, इनके टाइप्स भी समझ लिया कि मीन्स कि इतने सारे विधि शास्त्री ने ज्यूरिसप्रूडेंस को कितने तरीके से डिफाइन किया है, कितने तरीकों में बांटा है। अब हम लोग चलते हैं कि क्या पढ़ना क्या है हमें ज्यूरिसप्रूडेंस से। पढ़ना हमें है राइट्स, हमारे क्या क्या अधिकार है। हमारे पास आप जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, तो क्या क्या अधिकार दिए हुए हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। एंड ओनरशिप मीन्स कि स्वामित्व, जिस प्रकार हम किस तरीके से किसी भूमि पर हम कैसे स्वामित्व पा सकते हैं, ओनरशिप पा सकते हैं, इसके बारे में ज्यूरिसप्रूडेंस में डिफाइन किया गया है। पोजीशन, जैसे कि कैसे हम लोग किसी भूमि पर हम कब्जा करते हैं, कैसे हम लोग पोजीशन लेते हैं, उसके बारे में भी आई थिंक मैंने इस पर जो है वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। पोजीशन हो गया, ओनरशिप हो गया एंड प्रॉपर्टी हो गई एंड स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, सारे वीडियोज़ जो है निर्विला के प्लेलिस्ट में आपको पड़े हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। मैंने नोट्स शेयर की हूँ और बहुत सारे लोगों के द्वारा पसंद किया गया है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम एक थोड़ा आप डीपली समझा दें ताकि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो, तो मैं इसलिए डीपली समझा रही हूँ। एंड आगे हम लोग चलते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। प्रॉपर्टी हो जाती है, संपत्ति के बारे में समझा गया किस तरीके से हमारे यहाँ पे संपत्ति को एक्वायर किया गया था, किस तरीके से भारत में संपत्ति को कैसे हम लोग ने अपने अधिकार में लाया, ये सब हम लोग को पढ़ना है। एंड पर्सनालिटी हो जाती है, पर्सनालिटी मीन्स हो जाता है कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, ये सब हमारे कॉन्सेप्ट है ज्यूरिसप्रूडेंस के। एंड स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस पे मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहला हमारे पांच स्कूल्स हैं एनालिटिकल स्कूल, इसके हमारे को फाउंडर है जेरमी बेंथम। एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल, इसके फाउंडर है रॉस्को पॉन्ड। एंड हिस्टोरिकल स्कूल, इसके फाउंडर है सेविग्नी या फिर हम कह सकते हैं सेविनी। एंड फिलोसफिकल स्कूल, इसके फाउंडर है हुगो ग्रोशेस। एंड रियलिस्ट स्कूल, इसके फाउंडर है जॉन ग्रे। तो हम लोग ने स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस को समझा, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस को समझा, टाइप्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस को समझा एंड कौन कौन से विधि शास्त्रियों के द्वारा क्या क्या चीज़ ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में डिफाइन किया गया उसको समझा।
एंड यहाँ पर हम अगर हम लोग को जैसे कि एनालिटिकल स्कूल के किस तरीके से कौन कौन से विधि शास्त्रियों के द्वारा क्या क्या कहा गया है, सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंतर्गत कौन कौन से विधि शास्त्रियों के अंतर्गत क्या 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 कहा गया है, तो इसके ऊपर वीडियो मैंने नोट्स के माध्यम से शेयर की हूँ। आप जो है आप हमारे निर्वीरा के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। एंड अगर हम लोग कोई भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैम मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कीजिए या नोट शेयर करें, तो मैं कोशिश करूँगी आपके जो कमेंट है उसका उसके अंतर्गत वीडियो बनाने की। एंड इतनी मेहनत को अप्रिसिएट करते हुए कम से कम लाइक एंड कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं बहुत सारे लॉ नोट्स शेयर करती हूँ एंड लाइव आप आकर और जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसका रिप्लाई भी देती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।